नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कुएं में असंतुलित होकर गिरने से दो लोगों की मौत। घर के बाहर जाते समय अंधेरे कार रास्ते में पड़ने वाले कुएं को न देख पाने के कारण हुआ दर्दनाक हादसा। कुएं में असंतुलित होकर गिरा एक 6 वर्षीय बालक और एक युवक फायर ब्रिगेड की मदद से निकालकर सीएचसी फकरपुर में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सदर अस्पताल बहराइच के लिए किया रेफर। इलाज के दौरान दोनों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित। परिजनों में मचा हाहाकार। थाना फकरपुर के हैबतपुर की घटना। थाना मोतीपुर के ग्राम सुमई गौढ़ी में बालक राम पुत्र पैरू के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके गांव का अजमेर अली पुत्र मुनव्वर उनके 3 पुत्रों को अपने साथ लेकर राजस्थान गया था और वहां मजदूरी करा रहा था तथा उनके मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर उलाहना देने के लिए ये लोग अजमेर अली के घर पर गए, जहां पर उन लोगों ने कथित रूप से इनके साथ मारपीट की और इनके साथ जो महिला थी उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में चोट लगने से महिला का गर्भ जो है वह गिर गया और इनको काफ़ी शारीरिक चोटें भी आई। इस संबंध में थाना मोतीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 520/2020, धारा 323, 504, 316 एवं 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है तथा पीड़ित पक्ष को वास्ते चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर दिलीप कुमार वर्मा हमारा घर में से पट्टी में बाउंड्री उनकी वो मतलब घुमा रहे थे बच्चे को लिए और उसमें कुएं में गिर गए। कौन लोग गिर गए? कल्लू गिर गए हैं, उनका भतीजा। चाचा भतीजे थे? हाँ, हैबतपुर में कुएं में मौत हो गई दोनों की, 2 घंटे के बाद।